हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका गूगल अकाउंट किन किन वेबसाइट्स में लिंक है या किन किन एप्लीकेशंस में लॉगिन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको गूगल वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और गूगल के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा, और यहाँ पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सिंपली आपको राइट साइड में स्लाइड करना है, और राइट साइड में स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर साइनिंग इनटू अदर साइट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है, और इस पर टैप करने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका गूगल अकाउंट कौन कौन से एप्लीकेशंस पे लॉगिन हुआ है और किन किन वेबसाइट से लिंक है। तो जैसे यहाँ पर मेरा गूगल अकाउंट इन सारे एप्लीकेशन से और इन सारे वेबसाइट से लिंक हुआ है। और अगर आप अपना गूगल अकाउंट किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन से लिंक नहीं रखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहीं से ही उस पर टैप करना है, और यहां से आप रिमूव एक्सेस पर टैप करके उस एप्लीकेशन या उस वेबसाइट से अपना अकाउंट अनलिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका गूगल अकाउंट कौन कौन सी वेबसाइट से और कौन कौन सी एप्लीकेशन से लिंक है, और आप सिंपली वहीं से ही अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस भी उन सारे वेबसाइट्स और एप्लीकेशन से रिमूव कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।